तो भाइयों वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम चेतन नंगी, अपनी महिंद्रा बोलेरो। इसके अंदर यार देखो एक चीज़ रहती है जो कि यार महिंद्रा इसको अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर देखो एक लग्जरी सी बनाने के लिए अपनी गाड़ी के अंदर एड ऑन किया था। क्योंकि यार देखो सभी गाड़ियों के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि यार बेस मॉडल के अंदर थोड़े से फीचर कम आते हैं, बट यार उससे आप ऊपर वाला मॉडल लोगे ना, यानी कि टॉप एंड वेरियंट की तरफ जाओगे तो यार उसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यार अभी आपको बताऊँ तो देखना कि अपनी गाड़ी के अंदर भी एक अच्छा खासा फीचर्स इंक्लूड किया गया था, जो कि यार अभी बता देता हूँ। देखो अपने चैनल पर आप नए हो तो यार सबसे पहले यार अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन अभी आपको बता देता हूँ। देखो अभी इसके अंदर देखो कई ऐसे फीचर्स रहते हैं जो कि यार टॉप एंड वेरिएंट के अंदर मिलते हैं देखने के लिए। जैसे कि यार आप बेस मॉडल की तरफ जाते हो तो उनके अंदर आपको मिस करने मिल सकते हैं। वैसे कि यार वैसे तो आप जाओगे ना टॉप एंड वेरिएंट की तरफ तो यार आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर लगा जो कि यार मेरे को इसके अंदर रियर सीट के अंदर देखने के लिए मिला था, जो कि यार कंपनी दे रही तो थी बट यार वो किसी भी काम की नहीं था अपना, जो कि यार अभी आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि यार अभी कंपनी अपने को प्रोवाइड तो करी थी ये वाला फीचर की अपने, वो फिर भी किसी भी काम करी था वैसे कि, तो आपको बता ही देता हूँ। देखो अभी यार देखो अभी ये इसके आर्मरेस्ट के बारे में बता रहा हूँ देखो आपको सबसे पहले, क्योंकि यार अभी आप कोई सी भी गाड़ी लेते हो जैसे कि यार अभी आप बेस्ट वेरिएंट की तरफ जाते हो, यानी कि बेस्ट वेरिएंट जैसे कि मान लो आप इसके ऐसे लिए उसकी तरफ जाते हो तो उसके अंदर भी ये वाला फीचर आप मिस कर सकते हो। जैसे कि यार अभी अपनी गाड़ी के अंदर दे रखा है तो हमने सीट कवर चढ़ा रखा है अपनी गाड़ी पे, इस प्रकार से अपनी गाड़ी के अंदर इस प्रकार से दिख रहा है जो कि यार है, जो कि यार आर्मरेस्ट इस प्रकार से अपनी गाड़ी के अंदर। अभी बिना सीट वाले पे देखो इस प्रकार से दिखता है अपनी गाड़ी के अंदर, जब भी तो यार ये लग्जरी वाली फीलिंग्स आ जाती है। देखो महिंद्रा बोलेरो के अंदर ये आर्मरेस्ट ही मेरे को अच्छा खासा फीचर लगा जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर दे रखा है। पर सवाल ये है कि हमने आज दिन तक इसका यूज़ में नहीं लिया है। देखो आर्मरेस्ट आपकी कईयों की बंदों की रहती है, जैसे कि यार रियर सीट आर्मरेस्ट दे रखी रहती है अपनी गाड़ी के अंदर। जैसे कि यार अभी इसको यूज़ में लूँ ना, देखना अपने काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे लगेगा कि मेरे को यार क्या पता नहीं क्या ही है अपनी गाड़ी के अंदर, ये देखना कि अपने कभी भी यूज़ में नहीं लिया। वैसे तो इसको आपके सामने अभी मैं ले रहा हूँ देखो यूज़ में इसको। अब बेसिकली यार इसके बारे में बताऊँ तो देखना कि ये अभी आप बेस्ट वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसे कि यार अपनी गाड़ी के अंदर दे रखा है आर्मरेस्ट। देखिए यार अभी आप बेस्ट मॉडल की तरफ जाते हो तो एसएलई की तरफ जाते हो तो यानी कि बेस्ट एंड वेरिएंट तो नहीं बोल सकते वैसे एसएलई को, इसके अंदर काफ़ी अच्छे खासे वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यार अभी जो आर्मरेस्ट दे रखा है ना अपनी गाड़ी के अंदर, ये एक ऐसा फीचर है जो कि यार काफ़ी अच्छा फीचर देखने के लिए मिल जाता है अपनी गाड़ी के अंदर। यार जैसे कि आप और कोई सी गाड़ी ले लो इतने में तो वेन्यू मिल जाएगी आपको। जैसे कि यार आज की कीमत लिया कि महिंद्रा बोलेरो की ऑन रोड वाली, इस कीमत के अंदर तो आपको वेन्यू मिल जाएगी। देखो उसका मतलब सेकेंड मॉडल के आसपास एस वाला वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएगा। बट जो यार महिंद्रा के बोलेरो के अंदर जो फीलिंग देखने के लिए मिलती है जो कि यार वो किसी भी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिल सकती आपको। जैसे कि यार महिंद्रा इसके अंदर अभी आर्मरेस्ट दे रहा है, हालांकि देता वेन्यू के अंदर भी है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, बट बोलेरो के अंदर भी ऐसा वाला फीचर दे रखा है जिससे कि यार टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही मिलता है ये वाला फीचर। अब यार बेसिकली मैं बताऊँ तो ये वेस्टेज फीचर है, देखो वेस्ट वाला फीचर है, इसके अंदर कोई भी काम का नहीं है। जैसे कि यार अभी मैं इसको लगा रहा हूँ, जैसे कि ये मान लो इस पर सामान अभी मैं हाथ भी रखूँगा ना, इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ देना चाहिए था, बिल्कुल नीचे दे रखा है। अभी कोई दो बंदे बैठेंगे भी ना अपनी गाड़ी के अंदर तो यार काफ़ी नीचे ही हो जाएगा ये मतलब। अभी देख रहा मैं इस पर हाथ भी रखूँगा ना ऐसे बिल्कुल भी, देख रहा मैं इस पर हाथ भी रखूँगा तो बिल्कुल ऐसे टच ही हो रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है भाई ये, इस पर तकिया लगा सकते हो बस। जैसे कि छोटा बच्चा नहीं रहता कि अपनी गाड़ी पे, यानी कि अपने घर में छोटा बच्चा जो कि यार आराम से इसको पिलो के रूप में यूज़ में ले सकता है। वैसे यार ये छोटे बच्चे के लिए काम किया, वैसे तो अपने कोई खेलने में होगी बस, ये बेस्ट फीचर अपनी गाड़ी के लिए। वैसे देखो यार टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही देती है कंपनी, पर यार अच्छा खासा फीचर है। जैसे कि यार आप बेस वाला वेरिएंट लोगे तो उसके अंदर एक सिंपल सी आपको सीट देखने के लिए मिलेंगी, बट यार ये वाला फीचर है ना जो कि यार टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही देखने के लिए मिलता है, ये मेरे को अच्छा भी लगा एक तरीके से। बस यार इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छे खासे से देता ना अपनी गाड़ी के अंदर सीटिंग, क्योंकि यार अच्छे खासा फीचर हो सकता था अपनी गाड़ी के लिए, बट यार ये बेस्ट फीचर है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब दे रखा है दिखाने के लिए कि अपनी गाड़ी के अंदर, जैसे कि यार एक लिस्ट बनती है ना कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से अच्छे फीचर्स हैं, उस प्रकार से अपनी गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट दे रखा रहता है जो कि यार इस प्रकार से दिखता है, ऐसा है बस, ऐसा मान सकते हो आप। अब इसके अंदर देखो पीछे अभी मैं इसको वापस से इसको पैक भी करूँ तो इसको बिल्कुल ऐसे सीट में ऐसा लगेगा नहीं, इसको यूनिक्स अभी इसके अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसके अंदर एक अलग सा कलर डाला गया है इसके अंदर कवर, इसके कवर जो बनाया गया है ना इसके अंदर एक
अलग सा डाला गया है, यानी कलर जो कि यार इसको बता सकेगी यार इसके अंदर ये फीचर है भी, नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यार इसके अंदर ये वाला फीचर भी दे रखा है अपनी गाड़ी के अंदर। अभी यार इसके अंदर देखो, इसको मैं जैसे ही नीचे करा ना तो ये आ गया। बेसिकली आप और कोई सी गाड़ी पर जाते हो तो उनके अंदर भी मेरे को नहीं लगता कि आपको मिलेंगे, जैसे कि यार अपने टोयोटा ग्लैंजा आया तो उसके अंदर भी अपने को कोई भी आर्मरेस्ट वाला फीचर नहीं देखने के लिए मिलता, क्योंकि यार अभी यार कई गाड़ियों के अंदर ऐसा रहता है कि यार फ्रंट के अंदर आर्मरेस्ट दे देते हैं तो रियर वालों को भूल ही जाते हैं। जैसे कि यार अपना महिंद्रा है, जो कि यार पीछे वाले जो बंदे रहते हैं तो उनके लिए पहले सजेस्ट करता है कि आर्मरेस्ट तो उनके लिए दिया ही जाए, क्योंकि यार वही बैठेंगे आराम से, ड्राइवर तो आराम से चलाएगा, वो आर्मरेस्ट की कैसे फीलिंग लेगा, क्योंकि यार पीछे वाले बंदों के लिए तो आर्मरेस्ट दोगे यार काफ़ी अच्छा हो सके। बट यार जो उस समय के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो यार काफ़ी अच्छा फीचर था जो कि यार अपनी गाड़ी के अंदर दे रखा है, क्योंकि यार मैं इसको सही मानता हूँ। जैसे कि यार 2011 के लास्ट में या 12 ही मान लो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, उस समय का काफ़ी अच्छा फीचर देखने के लिए मिल जाता है अपने को, जो कि यार मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, बट यार आपको भी लगा ही होगा। क्योंकि यार अभी उस समय देखो कौन सी गाड़ी आती थी, एल्टो भी नई फैसिलिट में लॉन्च हुई थी उस समय की, देखो लग्जरी गाड़ी थी। अभी हमारे देखो 2004 के अंदर जब बोलेरो लेके आए थे ना, उस समय भी हमारी मतलब परिवार के अंदर किसी भी के पास भी इतनी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं थी, सबके पास 800 थी और हमारे पास मतलब ऐसी भी थी उस समय भी, देख लो आप। इससे मतलब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आ तो इसको बंदे बोल देते थे सिटी वाले से, पर तब तो ये सिटी वालों के पास भी नहीं थी भाई, इतनी इसकी डिमांड थी उस समय। अब यही तो रहता है देखो, सिटी वाले के पास आज क्या है, ये सेडान है और हैचबैक कार्स ज़्यादा देखने के मिलते हैं, बट यार ऐसे भी प्रेफर गांव वाले ही करते हैं जैसे कि यार हम कर रखे हैं। और वैसे तो देखो इसके अंदर फीचर्स के बारे में फीचर्स पे जाओगे तो यार काफ़ी इतने फीचर्स देखने को मिल जाते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, बट यार गांव वाले सबसे ज़्यादा देखते हैं, वो बताऊँ क्या चीज़ देखते हैं, देसी गाड़ी हो, रफ एंड टफ गाड़ी हो और काफ़ी अच्छी गाड़ी हो, और ग्राउंड क्लियरेंस क्या है इसकी काफ़ी ज़्यादा हो, गाँव वाले तो सबसे ज़्यादा यही देखते हैं। जैसे कि यार सिटी वाले देखते हैं वो क्या लग्जरी बन देखते हैं, जैसे कि यार अपने पास दोनों गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि यार देसी भी ले लो सभी देसी, अपने पास देखो टोयोटा ग्लैंजा है जो कि यार पूरी लग्जरी वाली फील दे देती है अपने को, हैचबैक भी यार अच्छी खासी भी है, उसकी थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, देखो चल जाता है अपना काम तो सिटी विटी में जाना हो तब उसको ले जाते हैं, वैसे गाँव के अंदर अपन इसको कच्चे रास्ते के अंदर कुछ भी रास्ता हो इसके अंदर आसानी से निकल जाती है भाई, ये कभी नहीं मना करती कि मैं इस रास्ते से जाऊँ या नहीं जाऊँ, इसको कहीं से भी ले जाओ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस यार इसकी थोड़ी सी इसका क्या है बोलते हैं गांव वाले जो कि यार इसका मेंटेनेंस कम है, मेरे को नहीं लगता कि यार अपनी महिंद्रा बोलेरो का क्या है मेंटेनेंस काफ़ी कम है, क्योंकि तो यार इसका ये फ़ायदा है कि अपन इसको खुद भी रिपेयर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी इतना अच्छा खासा देखने के लिए नहीं मिल सकता, बट यार मेंटेनेंस आया ना इसका इंजन से रिलेटेड ले लो तो यार काफ़ी अच्छा खासा मेंटेनेंस निकलता है इसमें भी। अब यार बेसिकली इसके अंदर इतनी कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती, देखो अब रियल फैक्ट बताऊँ तो आपके 10 साल में तो इसके गाड़ी पे कुछ भी नहीं बिगड़ता इस गाड़ी के अंदर, 10 साल चला लो इसके अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर भाई। यार आप कहीं पे ले जाके इसको टच करोगे तो फिर यार अड़ाओगे तो कुछ तो बिगड़ेगा, देखो अब इसके अंदर और वैसे कुछ भी नहीं अपनी गाड़ी के अंदर, बिल्कुल रफ एंड टफ है, कहीं एक बार एक तरीके से बोल सकते हैं कि यार ये लो मेंटेनेंस व्हीकल है, जो कि यार अच्छा खासा है। देखो महिंद्रा बोलेरो जो कि यार अच्छी खासी एक लो मेंटेनेंस व्हीकल है, जो कि यार अच्छा खासा सा माइलेज भी दे देती है अपने को, यार 7 बंदे बिठा के ले जा रहा है अपनी गाड़ी के अंदर तो यार उसको 13 का माइलेज भी दे रही है, तो अपनी गाड़ी तो क्या ही बिगड़ रहा है उसका, 2 बंदे ज़्यादा भी तो जा रहे हैं, अब यार उसके अंदर 5 बंदे ही जा रहे हैं जो भी यार बिल्कुल ऐसे दब दब कर जा रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा अपनी महिंद्रा बोलेरो जो कि यार 7 बंदे को ऐसे खुले बिठा कर लेके जा रही है, वो 13 का माइलेज दे रही है, तो भाई लग्जरी वाली फीलिंग सब कुछ मिल जाती है अपनी महिंद्रा बोलेरो के अंदर ही, देखो यानी कि इसके अंदर ऊँची है, मतलब ऐसा लगता है कि ऊँची गाड़ी के अंदर बैठा है, पूरा ऐसे फील आ जाता है इसके अंदर अच्छा खासा सा, तो कौन सी गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगा यार। अब यार आर्मरेस्ट दे रखा है उसके अंदर, तो ग्लैंजा के अंदर तो आर्मरेस्ट भी नहीं दे रखा अपनी गाड़ी के अंदर। बेसिकली देखो यार आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्रकार के नए कंटेंट के साथ।